नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है गेल इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक 206 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने 1.06% का अप मूव दिया है। आज मार्केट कैप है इसकी 1,35,315 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 51.90% है। बुक वैल्यू 111 है, 111। डिविडेंड यील्ड इसकी 2.67% है एंड फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो ये स्टॉक 50-200 ईएम से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो मीडियम से थोड़ी सी ऊपर है, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलने की बात है, बट इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि काफी नीचे है, 19.99 पे है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुई है। सो अभी के लिए आ गए हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, हमने लास्ट टाइम जो एनालिसिस करी थी तो हमने बोला था कि यहाँ पे वॉर की न्यूज़ के वजह से थोड़ा सा फ्रेश एंट्री में दुविधाजनक है। अभी के लिए देखें, कल इसने दिया था 1.29% का मूव। कल ग्रेड मार्केट थी, बहुत ज़्यादा मार्केट गिरी थी, बट फिर भी ये मूव दे गया था पॉजिटिव, जो कि एक अच्छी बात है। एंड आज फिर से इसने पॉजिटिव मूव दिया है, 1.06% का, 1% का मूव दिया है। ये वाली रेजिस्टेंस जो है ना, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। 208 की जो रेजिस्टेंस है, इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया। अभी ये ट्रेड करा है 205.85 पे, ठीक है। चैनल के अंदर ये स्टॉक आ चुका है एंड यहां से अगर जाता है तो एक बार इस चैनल को थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं एंड जस्ट अ सेकेंड, इस चैनल को यहां पे, ठीक है। तो अभी के लिए, क्योंकि इसका जो पैटर्न है, ये तो चलो मार्केट में काफी ज्यादा करेक्शन आया था तो ये नीचे चला गया था, उसके बाद इसने काफी मशक्कत करी है, चैनल के ऊपर आया है। तो अभी के लिए देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ तक के टारगेट जो है ना, ये तो हम लेके चले हैं थोड़े से लॉन्ग टर्म के, 25th of April के। लॉन्ग टर्म क्या, शॉर्ट टर्म ही है वैसे तो, इतना लॉन्ग टर्म तो कुछ है नहीं। 16 तो आज हो गई है, तो 10 दिन के भी टारगेट नहीं है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं, तो यहां तक मुझे लगता है ये 20th के आसपास ट्रेड करता हुआ हमें दिख सकता है, 222 के आसपास। थोड़ा सा ये वाली एक बार रेजिस्टेंस ये ब्रेक कर ले, क्योंकि ये अभी स्ट्रांग रेजिस्टेंस थोड़ी सी बना चुका है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाली ब्रेक कर ले, इसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म की एंट्री भी फिर ओपन होती है। अभी के लिए शॉर्ट टर्म की एंट्री मुझे लगता नहीं है ओपन होती है। क्यों? एक रीजन ये रेजिस्टेंस पे है, दूसरा रीजन ये चैनल पे है, बिल्कुल ठीक है। ये स्ट्रांग सपोर्ट पे भी, अभी इसका सपोर्ट भी इसको कर लेते हैं हम ऑरेंज, क्योंकि स्ट्रांग बन चुका है, स्ट्रांग सपोर्ट भी बन चुका है, सपोर्ट के बिल्कुल पास है। तीसरा रीजन मेरा ये वॉल्यूम थोड़ा सा कम हुआ है। चौथा मेरा रीजन ये है कि अभी एंट्री नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि आरएसआई वहीं पे पहुंच चुके हैं जहां से रिवर्सल लेती है। फिर से हो सकता है सेटल होकर 60 के आसपास आए, उसके बाद ये हमें अच्छे मूव दे। तो सेटल होकर अगर 60 के आसपास आती है, या तो यहीं पे कंसोलिडेट करेगा 200 से ऊपर ही, या हो सकता है कि हमें ये 196 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखे। 196 के आसपास कब ट्रेड करता हुआ दिखेगा? जब अगर मार्केट में, क्योंकि आपको पता है वॉर की न्यूज चल रही है, वॉर एंड ऑल सारा कुछ, इजराइल के साथ वो सब कुछ चल रहा है। अगर कुछ पीस का समाचार आता है, तो ऐसी न्यूज आती है कि पीसफुली वो चीज को हैंडल करते हैं, तो ठीक है। तो मुझे लगता है मार्केट में रिकवरी आएगी और इसको ये सपोर्ट बना सकता है 207 को, उसके बाद ये छोटे से मूव हमें दे सकता है कंसोलिडेट होकर, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर हमें पीसफुल कोई न्यूज नहीं आई, अगर हमें कोई ऐसा न्यूज आई कि हाँ ये उसके ऊपर हमला कर रहा है, वो उसके ऊपर हमला कर रहा है एंड बैक फायर कर रहे हैं सारी चीजें, तो मुझे लगता है कि तब स्टॉक मार्केट पे वो असर थोड़ा देखने को मिलेगा। देखिए, स्टॉक मार्केट पे ना वैसे भी काफी असर देखने को मिल चुका है, मुझे लगता नहीं है ज्यादा टाइम तक ये डिस्काउंट करेगी इस न्यूज को भी स्टॉक मार्केट, जिस तरीके की मार्केट अभी चल रही है, मुझे लग रहा नहीं है कि इस न्यूज को भी बहुत लंबे टाइम तक ये डिस्काउंट करने वाली है। तो थोड़ी सी दिन की बात है, तो थोड़ा सा अपना विकेट बचा के चलते हैं। इन्वेस्टमेंट क्यों ऐसे फंसानी कि हमें पता ही ना हो कि क्या होने वाला है। तो अभी के लिए शॉर्ट टर्म की एंट्री मुझे लगता नहीं है, वैसे ये शॉर्ट टर्म की एंट्री है, काफी शॉर्ट टर्म की है वैसे तो ये, बट ये मुझे लगता है कि हमें रिवाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर कोई ऐसी न्यूज आ गई, कल छुट्टी है, कल रामनवमी है, वेडनेसडे है, कल की छुट्टी है, थर्सडे एंड फ्राइडे हमारे पास दो ट्रेडिंग डेज बचते हैं एंड फिर हमारे पास है दो दिन की और छुट्टी, तो इन सारी छुट्टियों को मिलाकर सारा कुछ करके मुझे लगता है अगर मंडे तक हम मार्केट का देख लें थोड़ा सा, ठीक है, मुझे हो सकता है कि कुछ स्टॉक यू नो मूव दे जाए, हो सकता है कुछ स्टॉक नीचे चले जाए, बट थोड़ा सा हम एंग्जाइटी अटैक से तो बचे रहेंगे, राइट। तो मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर मैं होती तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं बनाती, थोड़ा सा सोच समझ के चलती, ठीक है।
तो एक बार बीएससी चेक कर लेते हैं। बीएससी पे इसका प्राइस बैंड है 10% का, एंड 15th को एक न्यूज आई है जो कि नॉर्मल जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसके बारे में सारी ये न्यूज है। द कंपनी डिड नॉट रिसीव एनी रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर, द कंपनी हैज डिलीवर्ड लेटर ऑफ कंफर्मेशन एज पर सेवी ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसमिशन स्लैश चेंजेस और चेंज ऑफ नेम स्लैश नेम डिलीशन विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो बेसिकली ये वही न्यूज है जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तब जरूरी होती है, फॉर्मेलिटीज जो होती है। ऐसी कोई न्यूज नहीं है जो इसके प्राइस के अप या डाउन हो में किसी तरीके की मदद करेगी। तो अभी हमारे पास टेक्निकल्स ही है एंड टेक्निकल्स बोल रहे हैं कि अभी एंट्री नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, अगर पहले से एंट्री बनी होगी तो मुझे लगता है कि इसके लिए होल्ड जरूर कर सकते हैं। यहां से अगर ये नीचे जाता है इससे 192 से, तो मुझे लगता है कि हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। ये हम स्टॉप लॉस अपना लेके चल सकते हैं। ठीक है, इतनी फ्लक्चुएशन तो बनती है यहाँ पे, ये जो 200 का है इतनी फ्लक्चुएशन तो बनती है। ठीक है, तो ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बाय सेल होल्ड की कोई सलाह नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जाने समझे पड़े और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। हाय, सो स्टार्टिंग में हमने डिस्क्लेमर दिया था कि वीडियो के एंड में कुछ न्यूज़ है। सो जल्दी ही हमारे चैनल पे जहाँ पे ये आ रहा है वीडियो, यहाँ पे और भी चीज़ें आने वाली हैं, जैसे कि सो बेसिकली मैंने कुछ वीडियोस में बताया है कि हम कोर्सेज पे काम कर रहे हैं, एंड कोर्सेज में काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं, उसमें स्ट्रेटजीज रहेंगी एंड कुछ चीज़ों को डीपली हम मैं कैसे एनालाइज़ करती हूँ या आप कैसे एनालाइज़ कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को, तो उसके बारे में ना काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम अपना सकते हैं। तो बेसिकली मैं थोड़ा छोटी सी मैंने एक चीज़ करने की कोशिश करी है, जो कि है बेसिकली जब मैंने 8 साल पहले यहाँ पे स्टार्ट किया था, जो सीरियसली स्टार्ट किया था मैंने यहाँ पे करना इसमें शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो मुझे ना बड़े सारे चैलेंजेस आए थे, जैसे कि कोई इंडिकेटर लगा है तो कैसे लगा है, कोई मैंने पैटर्न बनाया है तो कैसे बनाया है, एंड जैसे कि मैं अभी इसी पे चल लेती हूँ, तो अभी मैंने इसकी वीडियो बनाई है इनफैक्ट, तो ये मैंने कैसे बनाया है, ये जो है इंडिकेटर्स ये कैसे काम करते हैं, ये जो सारा कुछ है ये कैसे काम करता है, फिबोनाची कैसे काम करता है, फिब रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है, एंड ये सारी चीज़ें कि ये सारे पैटर्न कैसे बनाने हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कितना कि कैसे एनालाइज करना है। तो मैं काफ़ी ब्लैंक होती थी चीज़ों को देख के, क्योंकि जो मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए थे, जहाँ से मैंने सीखा था या जिन्होंने मुझे सिखाया था, तो मैं काफ़ी ब्लैंक रहती थी चीज़ों को देख के कि क्या हो रहा है, कैसे होगा मेरे से। तो उस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक चीज़ करी है, मैं यहाँ पे क्योंकि जो कोर्सेज आने वाले हैं तो यहाँ पे बेसिकली फ्री में कुछ मटेरियल रहेगा, जैसे ये है हाउ टू फाइंड पेनी स्टॉक्स, है ना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया है कि आप कौन से यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे एंड स्क्रीनर पे कैसे देख सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसी वीडियोज़ बनाने वाली हूँ जिसपे मैंने इंडिकेटर्स क्यों हैं, कैसे लगाना है, कैसे डिलीट करना है, एक ही चार्ट में मल्टीपल इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताया है मैंने इसमें, इन वीडियोज में बताने वाली हूँ एक एक करके, एक ही वीडियो में नहीं होगा, एक एक करके कुछ वीडियोज आने वाली हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी थी, कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैम सीखना है कैसे आप एनालाइज करते हो तो इसके बारे में सीखना है, तो उसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ ताकि जब आप कोर्स ज्वाइन करें यहाँ पे, जो भी कोर्सेज आने वाले हैं क्योंकि वो थोड़े से एडवांस होंगे, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं वो कोर्सेज में इंडिकेटर लगाऊं कोई या कोई भी ऑसिलेटर लगाऊं, तो आप ना जीरो से स्टार्ट ना करें और आप ये ना हो कि ब्लैंक हो कि ये ऑसिलेटर क्या होता है, ये इंडिकेटर क्या होता है, या फिर मतलब कि बहुत सारे मतलब ऐसी चीजें होती हैं कि जिसको लेके कि ये लाइन क्यों लगाई है, ये अप ट्रेंड में, क्योंकि अप ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड देखना, उसका रिवर्सल देखना, बहुत सारी ऐसी चीजें, तो आपको ना आप ब्लैंक ना हो, तो वो सारी चीजें एंड कैसे स्क्रीनर पे ढूंढना है, कैसे ट्रेंडी लाइन पे देखना है चीजें, कैसे उसका डेटा देखना है, फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है वो कैसे करनी है, तो उसके बेसिक्स जो है ना यहाँ पे फ्री में रहेंगे। दो सेक्शन बनेंगे, एक बनेगा कैंडलस्टिक पैटर्न का, उसमें मैं थोड़ा सा कैंडलस्टिक के बारे में बताऊंगी डिटेल में, ऑफ
ऑफकोर्स उसमें होगा कोर्सेज में, बट कैंडलस्टिक पैटर्न्स में वैसे सोच रही हूँ कि मैं सारा यहीं पे कवर करूंगी जो फ्री में अवेलेबल रहेगा, एंड वो रहेगा, एंड एक टूल्स का रहेगा जिसमें टूल्स में डिटेल में बताया होगा स्क्रीनर कैसे यूज करना है, ट्रेंडी लाइन कैसे यूज करना है, फिर जैसे ASM लिस्ट का कैसे देखना है, जो प्राइस बैंड चेंज होता है उसका कैसे देखते हैं, एंड जैसे कि ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना है उसमें, अगर आप हो सकता है कि कोई इंट्राडे कर रहे हो तो अभी इंट्राडे पे मैं फोकस नहीं कर रही हूँ, बट आने वाले टाइम में ऑफकोर्स करूंगी। तो इंट्राडे में उस पर जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कुछ कर रहे हो एंड आपने अपना कुछ ट्रेड लिया है तो उसके ऊपर कैसे आपको अलर्ट्स लगाने हैं, अपनी वो विश लिस्ट कैसे बनानी है, वॉच लिस्ट कैसे बनानी है, तो ये सारी चीज़ों को मैं कवर करने वाली हूँ। एंड आने वाले टाइम में कुछ हमारे एजुकेटर्स हैं जो शेयर मार्केट में कुछ कंसिडरेबल अपना टाइम दे चुके हैं, काफ़ी 8-10-12 साल दे चुके हैं, तो उनको भी हम लेके आने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, जिनसे उस हमें काफ़ी सारा नो हाउ जानने को मिलेगा कि क्यों कहाँ कैसे किन कौन सी गलतियां हैं जिन जो हम ना करें तो हम बच सकते हैं, किस जिससे हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो, एंड कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा ट्रेड हमें बेटर ट्रेड मिले, कैसे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कैसे ढूंढने हैं स्टॉक्स जो कि काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहे हैं एंड हो सकता है कि अब ब्रेकआउट देने वाले हों, तो वो कैसे ढूंढने हैं, तो ये सारी चीज़ें ना मैं यहाँ पे फ्री में थोड़ा सा करने वाली हूँ। एंड ये बहुत सारे हमारे चैनल पे आने वाले टाइम में काफ़ी सारे हमारे प्लान्स हैं इस चैनल को लेके, एंड आने वाले टाइम में हम कुछ ऐसे एजुकेटर्स को इनवाइट भी करना चाहते हैं एंड करने भी वाले हैं, एंड कुछ हमारे साथ कोलैब भी करने वाले हैं। एंड मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि फ्री में यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मिलने वाली हैं, जो जिसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे पे कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा आपको जो ग्राउंड वर्क है ना वो यहाँ पे मिले, बेसिक का भी रहेगा यहाँ पे, एडवांस भी रहेगा एंड इंटरमीडिएट का भी रहेगा। तो जो एडवांस लोग हैं तो वो कमेंट सेक्शन में, जो वीडियोस बनेंगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, तो हो सकता है कि जो यहाँ पे बिगिनर्स हैं जो बेसिक से ट्राई करना चाहते हैं वो उनको थोड़ा सा समझ आए कुछ चीज़ें, इंटरमीडिएट अगर कुछ जानना चाहते होंगे तो वो बता सकते हैं कि आपको क्या जानना है, कुछ नहीं समझ आ रहा किसी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए तो वो बता सकते हैं, एंड बेसिक वालों के लिए जो भी क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि हम बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज में बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करके जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करूंगी मैं कि बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पे बता सकूँ वो बिल्कुल, ताकि आप जीरो से स्टार्ट ना करें जब आप कोर्सेज ज्वाइन करें, चाहे हमारे चाहे किसी के, तो क्योंकि थोड़े से एडवांस होते हैं तो हमारे करने होंगे तो हमारे कर सकते हैं, थोड़े टाइम में आने वाले हैं, किसी और के भी आप ज्वाइन करें तो आपको बेसिकली वो एक होता ना कि होमवर्क रहेगा आपका कि आपको चीजें समझ आएंगी क्या हो रही है, ठीक है। तो रेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। तो अभी वीडियोस डली नहीं है, डलने वाली है, एंड कोई अगर इस वीडियो को लेट सुन रहा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, हो सकता है डल चुकी हूँ अभी तक वीडियो, ठीक है, थैंक यू।